आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो काजल की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, मैं गई थी कॉलेज और कॉलेज से वापस आ गई हूँ, और मेरे मामी को मन कर रहा है रिक्वेस्ट खाने के। और बरसात का मौसम है, और बरसात के मौसम में थोड़ा चटपटा मन करता है खाने के लिए। तो ये देखिए, इतना बड़ा पत्ता है रिक्वेस्ट का, इतना बड़ा, और कट करके हम लाए हैं, और इसके बाद हम रिक्वेस्ट बनाएंगे। तो आप लोग मेरी वीडियो देखिए। पीछे का डंठल है, इसको हम कट करेंगे और इसको अच्छे से हम धुलेंगे। उसके बाद इस पे हम मसाला वसाला लगाएंगे। उसके बाद तब तो हम लोग के रिक्वेस्ट तैयार होंगे। बस देखिए, हम इसको कैसे कट कर रहे हैं। इसके डंठल को इस तरह हम इसको कट कर लेंगे। और इसके गाइस, मैं इसको ऐसे कट करते जाऊंगी, कट करते जाऊंगी, ऐसे देखिए इसको कट करते जाऊंगी। तो गाइस, ये पत्ती देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो गाइस, मैं इस पत्ती को कट कर ली हूँ, और उसके बाद हम इसको धुलेंगे। देखिए, मेरी मामी धो रही हैं इसको। एक एक पत्ते को हम धो लेंगे अच्छे से। और ये है मिर्चा, और वो इसके पीछे का ये भी डंठल तोड़ लेंगे। लहसुन है, अब इसको हम पीसेंगे। तो गाइस, उसके मिक्सर जार में हम इस तरह डालेंगे, सब डालते जाएंगे, डालते जाएंगे ये। और हम जीरा डालेंगे ऐसे, एक चम्मच से ज़्यादा है। और ये है धनिया, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। और ये चावल है, इसको हम भिगोए नहीं थे, ऐसे धो के इसमें हम डाल देंगे। वो हो जाएगा अच्छे से, पिसा जाएगा हम। तो गाइस, इसे हम पीसेंगे। तो चलिए हम पीसना स्टार्ट करते हैं। अरे यार, जल्दी गाइस, इसमें हम चावल डाल दिए हैं, और इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, तो वो अच्छे से पिसा जाएगा। ये है पानी, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद इसमें हम ढक्कन लगाएंगे पीसने के लिए। अगर ढक्कन नहीं लगाएंगे तो ये तो पूरा मेरे फेस पे ही आ जाएगा पीसने के बाद। जैसे मशीन चालू करेंगे ऐसे मेरे फेस पे आ जाएगा। तो ढक्कन लगा के इसे पीस लिए हैं। तो ये देखिए, खुल के हम आपको दिखा रहे हैं, पिसा गया है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छे से देख लिए अंदर का पिसाया हुआ है कि नहीं, बस ऊपर का ही है, देख लिए अच्छे से पिसा गया है। उसके बाद हमारी मामी इसको मसाला लगा, इस हमें इसको लपटने नहीं आता है, तो मैं अपने मामी से लपटवा रही हूँ इस तरह मसाला लगवा के। एक एक करके मसाला लगाते जाएंगे, और एक एक पत्ते इस पर हम चिपका कर से गोल सा बनाएंगे। वो तो हमें बनाने नहीं आता है, तो ये काम तो अपने मामी से हम करवा रहे हैं। देखिए गाइस, मामी हमारी कैसे इसके ऊपर मसाला लगा दी हैं, और ऐसे करके इसे मोड़ लेंगी, मोड़ कर इसे गोल सा बना देंगी। देखिए, ऐसे पकड़ के इसे गोल सा बनाएंगी। इसको गोल सा शेप ही दिया जाता है, देखने में अच्छा लगता है। देखिए, ऐसे मोड़ रही हैं, इसके ऊपर से मसाला लगाएंगी। गाइस, मैं पानी रखी थी चूल्हे पे उबलने के लिए, तो ये देखिए उबल रहा है। और इसके बाद मैं इस पे ये जाली लगाऊंगी और उसको रखूंगी होने के लिए। ऐसे रख दूंगी, उसके बाद ढक देंगे ऐसे। लगभग इसको 1 घंटा टाइम तो लगेगा पकने के लिए। देखिए, पक गया है ये अच्छे से।
और अब इसको नीचे हम उतार लेंगे। गाइस बहुत ज़्यादा गर्म था इसके ऊपर से हमको कपड़ा लगाना पड़ा उतारने के लिए, तो ये कपड़ा लगा कर नीचे उतारूँगी। गर्म है, कपड़ा लगाऊँगी पहले ऐसे, और इसको नीचे हम उतार रही हूँ। इसको थोड़ा ठंडा किया जाता है बट हम ठंडा नहीं करेंगे, हमको खाना था बहुत जल्दी बहुत जल्दी। इसके बाद हम इसके छोटे छोटे पीसेस में ऐसे कट करेंगे। कट करने के बाद उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए कैसे कट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्म था, गर्म होने के कारण अच्छे से ये कट नहीं रहा था, और हमको इसे खाना था फ्राई करके जल्दी से, इसीलिए हम इसको कट किए। तो हम फ्राई रखें, इसमें ऑयल डालेंगे, हीट करेंगे इसके बाद, तब इसमें हम रिक्वेस्ट डालेंगे और फ्राई करेंगे। गाइस मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और पसंद आया हो तो लाइक करिए। तो देखिए गाइस ये फ्राई हो गया है और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, और देख के आपके मुंह में पानी आ रहा है ना। अब लोग खाएंगे, पहले हमको खाने दीजिए, इसके बाद हम आप लोग को देंगे। तब इसको हम प्लेट में निकाल ले रहे हैं और खा के मैं दिखाऊंगी कितना इसमें टेस्टी है। चलिए खाते हैं। मेरी कुछ खा के टेस्ट कर रही हूँ कि कैसा बनाई हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा।